नमस्कार, मैनपुरी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी ठाकुर। मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र में रिश्तों को कलंकित कर उनका महज एक मजाक बना देने की घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने गोद लेने के बहाने मुंह बोली बेटी के साथ ही दुष्कर्म कर डाला। देखिए क्या है पूरी घटना। दरअसल पूरा मामला जनपद मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र के एक गाँव का है। गाँव में रहने वाले परिवार के संबंध पड़ोसी गाँव के नगला राम सिंह निवासी मनोज दुबे के साथ थे। मनोज दुबे के पास कोई संतान नहीं थी। संतान के लालच में करौली निवासी परिवार से एक पुत्र और उसके पुत्री को गोद लेने को कहा तो परिवार उन्हें संतान देखकर अपनी पुत्री को गोद देने के लिए तो राजी हो गया, लेकिन शर्त यह थी कि यदि बच्चों को आपके घर अच्छा लगेगा तो हम अपने बच्चों को आपको लिखा पढ़ी करके दे देंगे। मनोज ने उक्त दोनों बहन और भाई को अपने घर ले गए, जहां दो दिन तक तो सब ठीक रहा। तीसरे दिन मनोज दुबे ने अपनी पत्नी के सामने ही 10 साल की मुंह बोली पुत्री के साथ रिश्ते को तार तार करते हुए दुष्कर्म कर डाला। जब पुत्री ने आप बीती अपनी सगी माँ को सुनाई तो सभी की पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस बरनाहल को दी गई, जहां पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करके किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण कर आनन फानन में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। कौन से गाँव की रहने वाली हैं आप? हम करौली के रहने वाले। आप जो ना यहाँ पे आई हैं, आपने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि गोद लेने वाले पिता ने ही उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म कर दिया, क्या पूरा मामला क्या है? मतलब ऐसी बात हो गई थी, वो लोग हमारे घर पे पहुँचे तो वो लोगों ने कहा कि हमें बच्चे आप गोद दे दो। हाँ। हमारे पास चार बच्चे हैं जी। तो हमने कहा ठीक है, हमारे पास चार है, तो आप दो अगर हमसे अच्छी तरीके से मतलब परिवरिश करोगे तो हम दे देंगे आपको दो बच्चे। तो मतलब पहले दिन बच्चे गए कोई बात नहीं थी, दूसरे दिन मतलब बच्चे गए तो उन्होंने मतलब ये कांड कर दिया। क्या किया उनके साथ? मतलब बच्ची के साथ भी गलत काम किया और अपनी घरवाली के साथ भी गलत काम किया। क्या नाम था उनका, कौन थे वो? उनका नाम था मनोज दुबे और हरि सिंह के नगरा के रहने वाले है वो। गुड़िया, क्या हुआ था आपके साथ में? हमारे साथ बलात्कार। किसने किया था? मनोज दुबे। ये पड़ोसी है क्या? हाँ। ये गोद लेने वाली बात आती है सामने तो क्या है पूरा मामला बेटा? उनके पास एक भी औलाद नहीं थी, इसलिए उनने हम लोगों को गोद लेना चाहा। हाँ। तो आपको गोद लेना चाह रहे थे वो? हाँ। अभी लिया नहीं था? नहीं। अच्छा, फिर आप घर पे अकेली थी क्या घर पे? नहीं, मम्मी पापा सब थे। तो आपके मम्मी पापा के सामने ही यही उसने दस्कों कर डाला आपके साथ? नहीं। और घर पर जाकर? घर पे ले गया आपको? हाँ। अच्छा, फिर शाम को बलात्कार किया? अच्छा, आपको गोद लेने के बहाने आपको ले गया? हाँ। फिर उसके बाद में रिप किया आपके साथ? हाँ। तो उनकी पत्नी वगैरह देख रही थी इस बात को, देख रही थी कि अपने? हाँ। उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने मना नहीं किया? ये पुलिस को सूचना मिली थी, एक बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है और जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उस बच्ची को उसने गोद भी ले रखा था। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उस बच्ची का मेडिकल कराकर विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है।